नमस्कार दोस्तों, रामन एस्ट्रोलॉजी फ्रॉम चंडीगढ़। आज का जो हमारा विषय है वो है पन्ने के ऊपर। पन्ने के ऊपर तो बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, बहुत सारी, मैं बता नहीं सकता हूँ, इतनी इंक्वायरीज आ रही हैं। तो ये एपिसोड मैं किस विषय पे देने जा रहा हूँ उसे आप ध्यान से समझिएगा। ये हमारा एपिसोड है मेटल के ऊपर, यानी धातु के ऊपर। धातु क्या है पन्ने का, मैंने लास्ट भी बताया था कि पन्ने का जो सही धातु है वो है चांदी। सोना इसका मेटल नहीं है दोस्तों, इस चीज़ को आप समझ के चलिएगा। अब क्यों नहीं है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूँ। देखिए, सोना जो है धातु है, ये देवगुरु बृहस्पति जुपिटर का मेटल है। जुपिटर वह बुध आपस में शत्रु ग्रह हैं, इनकी कोई मित्रता भी नहीं है। अब आप पन्ना धारण कर रहे हैं बुध का और मेटल डाल रहे हैं उसमें जुपिटर का। इतनी कॉल्स आती हैं कि रमन जी गोल्ड में डाल लें, गोल्ड में डाल लें। हमारा मतलब, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि स्टेटस को लेके, या उनका एक अपना रेपुटेशन मार्केट के अंदर है, या उनका एक अपना नज़रिया है उस चीज़ को देखने का, वो बोलते हैं कि रमन जी आप हमें प्लीज़ बताएं कि इसे गोल्ड में डाल लें। मैं आज आपको एक डेमो भी दिखाऊंगा, आप देखेंगे आपको पता लगेगा ये वो डेमो है जिनको अभी तक इसका रिजल्ट ही नहीं आया है। मैं पहले आपको एक चीज दिखा दूं, यहाँ पे ये पन्ना देखिए आप, ये जाम्बियन पन्ना है, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का है। और इसको किस में डलवाया गया है, गोल्ड में 18 कैरेट। दोस्तों पत्थर इन्होंने इतना महंगा लिया मैं बता नहीं सकता हूं आपको। इन्होंने मेरे से संपर्क करा था, मेरे को कॉल आई थी कि रमन जी मैंने सारे वीडियोज आपके देखे हैं, और कंसल्टेंसी लेने के बाद इन्होंने बोला कि रमन जी आप मेरे को बताएं मेरे को कौन सा पत्थर धारण करना चाहिए। मैंने इनको पन्ना बताया। ये बॉलीवुड में एक बहुत ही अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, मैं नाम उनका बिल्कुल भी नहीं लूँगा यहाँ पे, क्योंकि हमारी एक बॉटम लाइन है उसको हम क्रॉस नहीं करते। हाँ, बात हो रही है पन्ने की, मैंने आपको एक बार फिर से यहाँ पे दिखा देना चाह रहा हूँ। ये देखिए पन्ना, एक्सट्रीमली गुड क्वालिटी, बहुत ही बेटर क्वालिटी का। तो मैंने इनको बोला कि आप इसे चांदी में धारण कर लीजिएगा। इन्होंने बोला कि रमन जी मैं खुद बनवा लूंगा। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बनवाइए डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये ज्वेलर के पास पहुंचे तो उन्होंने उनको पन्ने की तो तारीफ कर दी है, लेकिन उन्होंने बोला कि आप इसे गोल्ड में क्यों नहीं धारण कर रहे हैं। तो इनका मन बदल गया, इन्होंने जाके वहां पर उसको गोल्ड में धारण कर लिया। अब एक महीने के बाद इनकी कॉल, मतलब बीच में तो कॉल्स आती रही, लेकिन इन्होंने मेरे को ये नहीं बताया कि मैंने इसे गोल्ड में धारण करा है। इन्होंने एक ही शब्द था कि मैंने पन्ना धारण कर लिया रमन जी। तो बाद में फिर जब मैंने इनको बोला कि आप मेरे को एक उसकी फ़ोटो भेजिए, मैं देखना चाहता हूँ, जब मैंने पन्ना देखा तो वो जहर सी बात है गोल्ड में था। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा भाई साहब मैंने तो आपको बोला था कि आप इसे चांदी में धारण करें, आपने इसे गोल्ड में क्यों करो। बोला मेरा मन बदल गया था और मैं चाहता था कि मैं इसे इसमें धारण करूं। तो बात घूम फिर कर कहाँ पे आ रही है कि रिजल्ट नहीं आया तो कौन इसके पीछे, मतलब मेन मोटिव क्या था। मोटिव था मेटल। अब एक और चीज़ है, जब एक एक्सपर्ट आपको राय दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है दोस्तों आप उसके ऊपर अमल करें। कोई भी एक्सपर्ट हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं अपने आप को इस चीज़ में लेके चल रहा हूँ। तो दोस्तों बात हो रही है पन्ने के ऊपर। बुध ग्रह का रत्न है, जितना महंगा इन्होंने पन्ना डाला है, जो हाई ग्रेविटी का पहना है, मैं खुद हैरान हूँ कि रिजल्ट क्यों रुका। अब इन्होंने मेरे को रिंग स्पेशली बॉम्बे से भेजी है कि रमन जी आप इसे चांदी में करवाइए। तो मैं कोशिश करूंगा, मैं अभी सारा विधि पूर्वक इनको पन्ना डलवाऊंगा, और रिजल्ट्स तो मेरे को पता है 100% आने ही आने हैं। दोस्तों बात हो रही है मेटल पन्ने के बारे में, तो कोशिश करें मेटल मेरे से पूछ लीजिए अगर आपको नहीं जानकारी है, या आप ऐसी चीज़ें मेरे से पूछना चाह रहे हैं। तो नीचे स्क्रीन पर दोस्तों मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहा है, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। और हाँ दोस्तों, अपॉइंटमेंट लेकर फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं, वह आप पर्सनली आके ऑफिस में भी मिल सकते हैं मेरे से। दोस्तों एस्ट्रोलॉजी को मैंने एक मिशन के तौर पर लेके चल रहा हूँ। आपके जो वहम भ्रांतियाँ हैं, मैं चाहता हूँ कि वे सब दूर हो जाएं।
इस चैनल को मैक्सिमम आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, वहाँ लाइक्स करें। अगर ये आपको एपिसोड बहुत पसंद आया है, अपने रिश्तेदारों में वह अपने सर्कल में से भेजें, ताकि उनकी जो वहम भ्रांतियाँ हैं वो दूर हो जाएं। और मैं कोशिश करूँगा आपको एक नए एपिसोड में नए विषय के बारे में और ज़्यादा जानकारी दूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।